पॉजिटिव भारत सहित मुनिवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन हेले प्रथमे हेडलाइंस पिलांको टीकाकरण को नहीं खुशी खबर अगस्टर आरंभ हो शिशु टीकाकरण बीजेपी संसदीय दल बैठक में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य सूचना एस अधिक कंपानी को मिल वैक्सीन उत्पादन लाइसेंस कोरोना संख्या कमुची हेले महामारी मुक्त होइनी देश देश में 22 जिले बढ़ुची आक्रांतों संख्या 54 जिले 10 प्रतिशत उपरे पॉजिटिविटी हार सेपटे देश में दिया सरी 44 कोटी 19 भारतर संस्कृति ऐतिह्य को पुणी विश्वर मान्यता गुजरात डोलाबीरा को मिलला यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता तेरे देशर 40 ऐतिहासिक मिल सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइटर मान्यता सफल होउछि केंद्र सरकार नक्सलवाद दमन पदक्षेप तीन वर्ष रे देश रे कमिछि बामवादी हिंसा सरकारी अधिकारी को पणबंदी मामला भी कमिथिबा संसद रे सूचना देले केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय एवं महिलाओं को 24 खंचिया हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ वर्चुअल मोड में उद्घाटन कले केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी गोटे नंबर में हिंसा द्वारा प्रभावित महिला को मिल समस्त सहायता संपूर्ण खबर को पिलांक टीकाकरण को नहीं खुशी खबर अगस्ट मासरु पिलांक पई आरंभ हेबो टीकाकरण बीजेपी संसदीय दल बैठक रे सूचना देछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य बीजेपी संसदीय दल बैठक रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती सरकार आसंता मासरु पिलांक पई टीकाकरण आरंभ करिवे तबे यासह भारत खूब शीघ्र सबुठारु बड़ वैक्सीन उत्पादनकारी देश हेबाकु जाउछि देशर अधिक कंपनी को उत्पादन पई लाइसेंस मिलबाकु जाउथबा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री सूचना देछंती तबे कोरोना संख्या कमुवा बेले जहाँ सूचना रही कोरोनारु मुक्त होइनी देश किंतु कोठना कोठी द्वितीय लह जारी रही किछि अंचल एबे भी चिंतार कारण पलटिछि देश रे एबे भी 22 जिला अछि जेउठी कोरोना मामलार वृद्धि देखबा को मिलुछि एथिरे केरल 7 मणिपुर 5 मेघालय 3 अरुणाचल प्रदेश 3 जिला महाराष्ट्र 2 आसाम एवं त्रिपुरार गोटे गोटे जिला रही सेपर देश रे एबे भी 54 टी जिले रे पॉजिटिविटी हार 10% उपरे रही तबे किछि सप्ताह तले कोरोना मामलें द्रुत गति में ह्रास घटिता बेले गत 2-3 सप्ताह मध्य चिन्हट मामलें ह्रास कम हो चिंतार विषय बोली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहते यार मध्य देश में वर्तमान आरोग्य हार 97.4% रही बेले साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार रही 2.1% सेपटे देश में वर्तमान सुधा 44 कोटी 19 लाख डोज प्रदान करा देछि हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। यहां मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि ये जो 62 जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं वह भी बड़े लोकलाइज एक लिमिटेड सेट ऑफ एरिया में ही पाए जा रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में इस तरह के जिले जहाँ से अधिक संख्या में केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 317 जिलों में ऐसे केसेज में कमी नोट की गई है।
परवर्ती खबर को सेपटे नीति आयोग सदस्य बीके पॉल वैक्सीन को नहीं बड़ मंतव्य से कहते जे वैक्सीनेशन द्वारा संपूर्ण भाव संक्रमण कम हो रहा कौन ग्यारंटी ना कौन टीका ना जहाद्वारा शत प्रतिशत संक्रमण कमिजी तेरे टीका ने द्वारा रोगर जहाँ सूचना रही गंभीरता और मृत्यु को अटक जाती एएफएमसी रे 15 लाख डाक्टर एवं फ्रंटलाइन वर्कर को उपरे अध्ययन करा जायतिला जाकु कोविशील्ड दिया जायतिला अध्ययन रु जणा पडछि जे द्वितीय लहर समय रे डेल्टा वेरिएंट रु संक्रमण रे 93% ह्रास होई छे एवं मृत्यु हार रे 98% ह्रास होई छे। नाउ इन द सीट ऑफ अनदर स्टडी जो रियल लाइफ में दर्शाती है कि हमारे वैक्सीन्स कितने इफेक्टिव हैं। ये स्टडी आज ही प्रारूप में आई है, सामने आई है। दिस स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड बाय आवर टीम्स इन द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है उनकी टीम ने करा है और 15 लाख आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला। 93% प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 93% इन रियल लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अवेलेबल, बट आई एम हैप्पी टू स्टेट दिस हियर फ्रॉम दिस पोडियम। फेथ आनी चाहिए और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है विच इज ड्रिवन बाई डेल्टा वेरियंट, कॉन्फिडेंस देता है और खुशकिस्मती भी है कि ये वैक्सीन हमारे प्रचंड है, चल रहे हैं। और अगर हम मोर्टैलिटी रिडक्शन देखें तो 98% मोर्टैलिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसा कि बार बार हमने यहाँ से कहा, दुनिया भर के ही वैक्सीन पूरी तरह से ये रूल आउट नहीं करते कि इन्फेक्शन ना हो आपको। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हम जो हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें तो 93% है। लेकिन उसमें लाइफस्टाइल भी एक अलग तरह का है, डिसिप्लिन भी अलग तरह का है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि 100% इन्फेक्शन ना हो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहता, बट विच एवरी वैक्सीन इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली अवर ओन वैक्सीन शो दैट सीरियस डिजीज, द चांस ऑफ सीरियस डिजीज इज नियरली एलिमिनेटेड, द चांस ऑफ डेथ इज नियरली एलिमिनेटेड। एंड दिस पर्टिकुलर स्टडी, आई हैव बीन शेयरिंग दीज स्टडीज विद यू एज दे इमर्ज एंड सेज दैट चांस ऑफ मोर्टैलिटी इज मूव्ड अवे टू द एक्सटेंट ऑफ 98%, निग्लिजिबल। वो भी इसीलिए होता है कि कोमोबिलिटीज होती हैं, सिचुएशन कहीं खराब हो सकती है। सो अगेन आई अर्ज यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस दैट प्लीज बी विजिलेंट, बी केयरफुल, हैव फेथ इन वैक्सीनेशन, हैव फेथ इन आवर वैक्सीन्स एंड कंटिन्यू टू बी केयरफुल इन द वीक्स एंड मंथ्स अहेड। पॉजिटिव भारत रे समय को छोट ब्रेक रो, ब्रेक पर फेरी बाय बने ना खबर देखिबा। ब्रेक पर स्वागत। भारतर सभ्यता, संस्कृति और ऐतिह्य पाई पुणी एक खुशी खबर सफल होईछि। भारतर गौरवमय ऐतिह्य को विश्व रे परिचित कराइबा पाई केंद्र सरकार को प्रयास। गुजरात रो ढोलाबीरा को मिली यूनेस्को विश्व ऐतिह्यस्थली वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो मान्यता। जातिसंघर यूनेस्को तरफ एने ट्विट जोगे सूचना प्रदान करा दैछे। गुजरात रो ढोलाबीरा हेउछि सिंधु सभ्यतार समय भारत में गढ़ी उठिथिबा आउ एक उन्नत सभ्यता हरप्पा समय गोटे सहर जो लोक जीवनशैली बेस आधुनिक प्रमाण मिले। या खुशी व्यक्त करिसेंति केन्द्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। संस्कृति क्षेत्र में यह भारत पर आउ एक बड़ सफलता। ढोलाबीरा को मिसाई भारत 40 ऐतिह्यस्थल यूनेस्को तरफ विश्व ऐतिह्यस्थल मान्यता पाई सारी। तेणु ऐतिह्य मान्यतार भारत सुपर 40 क्लब
सामिल होइछि बुली ट्वीट करी कहिछन्ती केन्द्रमंत्री। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी तरफ ऑनलाइन रे चलितबा 44तम अधिवेशन रे जुलाई 25 तारीख दिन तेलंगानार रामप्पा मंदिर को विश्व ऐतिह्य स्थली भाव में सामिल करा जायतिला। एबे गुजरात रो डोलाबिरा को सामिल करा जिबा एवं भारत पई निश्चय एक खुशी खबर नथा। पार्लियामेंटरी पार्टी मीटिंग रे विरोधी दायित्वहीन व्यवहार को नहीं क्षुब्ध होती केन्द्रमंत्री क्षमा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मौसुमी अधिवेशन आरंभ होगा दिन विरोधी पेगासस स्पाई लीक घटना को नहीं उभय गृह में समस्या सृष्टि करने सहित गृह कार्य व्याघात घटाऊ संसद काम विशृंखला सृष्टि कर अगणतांत्रिक व्यवहार देखा विरोधी देश आगे मुखा खोल को दल सदस्य मानू आह्वान देते प्रधानमंत्री। संसदीय दल बैठक विरोधी को प्रधानमंत्री टार्गेट खोल विरोधी असली चेहरा देशवासी जानवे विरोधी प्रकृत उद्देश्य संसद में विशृंखला सृष्टि करी अगणतांत्रिक व्यवहार देखाउछन्ती विरोधी। सरकार आलोचना पाई प्रस्तुत किंतु विरोधी जानिशुनी सृष्टि करुछन्ती विशृंखला। कांग्रेस दायित्वहीन व्यवहार को नहीं बर्षिले प्रधानमंत्री। आज बीजेपी पार्लियामेंटरी पार्टी मीटिंग रे विरोधी दायित्वहीन व्यवहार को नहीं क्षुब्ध होती प्रधानमंत्री मोदी। मौसुमी अधिवेशन आरंभ होगा दिन विरोधी पेगासस स्पाई लीक घटना को नहीं उभय गृह में समस्या सृष्टि करने सहित गृह कार्य व्याघात घटाऊ बारंबार गृह मुलतवी रही संसद काम विशृंखला सृष्टि करी अगणतांत्रिक व्यवहार देखा विरोधी देश आगे मुखा खोल को दल सदस्य मान आह्वान देते प्रधानमंत्री। पेगासस लीक घटन सरकार कौन संप्रति नहीं स्पष्टीकरण दिजा सत्वे विरोधी बारंबार विशृंखला सृष्टि कर चली सरकार सब विषय संसद में आलोचना करने को प्रस्तुत थे विरोधी जानिशुनी एपरी करने को देउनाहती बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्क्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे। सूचना योग्य पेगासस मामला को नहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने को दावी करितिबा सहित संसद रे प्रथम दिन हंगामा सृष्टि करिवारे लागिछि। अधिवेशन पूर्व सरकार कोरोना को नहीं जहां पदक्षेप नहींचंती से नहीं उत्तर रखंतु बोली विरोधी कांग्रेस तरफ तेबे कोरोना संपर्क छाड़ी दर वृद्धि और अन्य विषय मध्य सरकार सब प्रकार आलोचना करने को प्रस्तुत अछंती बोली कहिथिले किंतु अधिवेशन आरंभ होगा दिन पेगासस लीक खबर को आलो करी विरोधी संसद कार्य व्याघात सृष्टि कर चलिछंती। आज संसद अधिवेशन पूर्व दलीय बैठक में विरोधी और विशेष भाव कांग्रेस अगणतांत्रिक व्यवहार द्वारा देशर क्षति घटुची तेणु एपरी विरोधी मानक असली चेहरा को जनता सम्मुख को आने निज दल सदस्य को आह्वान देते प्रधानमंत्री। दलय बैठक पर गणमाध्यम आगे कांग्रेस कार्यकलाप को नहीं बर्षि सांसद तथा केन्द्रमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सरकार ने कहा कि कोरोना से लेकर के महंगाई से लेकर के जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्क्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना
देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। सफल हेउछि केन्द्र सरकार को नक्सलवाद दमन एथिपाई नेउथबा पदक्षेप, तेबे गत तीन वर्ष मधे देशे कमिछि नक्सलवाद तथा चरमपंथी वामवादी हिंसा। ए बाबदे मंगलवार दिन संसद में एक लिखित उत्तर रखिंट केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय। केन्द्रमंत्री देशर दस टी नक्सल अधिषित राज्यर तालिका देखते जो 2018-2020 मध्य नक्सल कार्यकलाप ह्रास पाइबापी लक्ष्य कर ओडिशा समेत आंध्रप्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना पश्चिमबंग और केरल तालिका रही जोठी गत तीन वर्ष मध्य नक्सल कार्यकलाप कमार लक्ष्य कर सूचना अनुसार गत 2018 दस टी राज्य में मोट 833 नक्सल हिंसाकांड घटा बेले 240 हिंसा जनित मृत्यु घटी मात्र 2020 ह्रास घटित परिलक्षित होई 2020 नक्सल हिंसा घटी 183 हिंसा जनित मृत्यु घटी तथ्य सामनाकु आसी केवल हिंसा एवं मृत्यु कमी ना बरम नक्सलवाद द्वारा जो धन संपत्ति हानि होता से ह्रास घटा देखा जाए नक्सल मैंने आगर जपरी विभिन्न दाबी पूरण पर साधारण लोक एवं सरकारी अधिकारी पणबंदी रखुले कम हो तेरे ओडिशा कथा जदि देखा तो 2018 मोट 75 नक्सल हिंसा घटी बेले 12 मृत्यु घटी मात्र 2020 ह्रास पाई 50 आउ 9 पहुंची बोली लोकसभा उपस्थापित होता बरणी जमापड़े। समय आउ एक ब्रेक ब्रेक पर देखा अन्न खबर। स्वागत। देश में महिला सुरक्षा और निरापत्ता को दृष्टि रखी 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर शुभारंभ कर केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज जातीय महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर 7827170170 नंबर लॉन्च करी हेल्पलाइन नंबर सप्ताह 7 दिन एवं 24 घंटा काम कर हिंसा द्वारा प्रभावित महिला मानक पुलिस डाक्तरखाना जिला आईन सेवा प्राधिकरण मानसिक सेवा इत्यादि सहित लिंक करी रेफरल माध्यम रे 24 घंटिया ऑनलाइन सहायता प्रदान करने को लक्ष्य रखा जाय छे। तबे उद्घाटन अवसर में केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी NCW को अभिनंदन जनाई नूतन हेल्पलाइन को प्रशंसा करथिले। ए डिजिटल हेल्पलाइन महिला मानक संदेश जे जेते बेले भी सेमाने आवश्यक करंती सरकार एवं महिला कमिशन सेमानक पाखरे रहिबे। सुप्रीम कोर्ट रे पश्चिमबंग सरकार को बड़ झटका कोविड समय रे अनाथ होइतबा शिशु तथ्य लुचाउछंती टीएमसी सरकार एहा कोनोसी राजनैतिक प्रसंग नुहे अनाथ शिशु मानक भविष्य सुरक्षा दृष्टि संवेदनशील हेबा पई पश्चिमबंग सरकार को चेतावनी देइछंती माननीय सुप्रीम कोर्ट। कोविड जोगु बापा मां को हराई अनाथ होइतबा शिशु भविष्य सुरक्षा पई पीएम केयर अधीन कल्याणकारी योजना प्रचलन करिछंती केन्द्र सरकार 2020 मार्च परे जो शिशु माने निजर बापा मां को हराई सेमानक 23 वर्ष एवं पर्यंत 10 लाख टंकार कर्पस फंड जोगाई देवार व्यवस्था करा दै छे। पश्चिमबंग सरकार जो अनाथ शिशु मानकर जो तालिका करिछंती मात्र 27 जन शिशु अनाथ होइतबा प्रकाश पाइछे जहाँ को नहीं सन्देह प्रकाश करिछंती सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित दुई जणिया खंडपीठ। एत बड़ राज्य में जोठी कोविड संक्रमण एत व्यापक होता सेठे एत कम संख्यक शिशु अनाथ होगा सन्देह सृष्टि कर राज्य सरकार प्रकृत तथ्य नदे कोर्ट निज आड़ तदंत निर्देश देवे चेतावनी देते। कर्णाटक आरंभ हो जाए नुआ मुख्यमंत्री बाछबार प्रक्रिया गतकाली मुख्यमंत्री पदर येदियुरप्पा इस्तफा पर नुआ मुख्यमंत्री बाछवा प्रक्रिया जोर धरी एथपाई कर्णाटक पर्यवेक्षक भाव में दायित्व दि जाए केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं जी कृष्णा रेड्डी को श्रीयुक्त प्रधान एवं श्रीयुक्त रेड्डी बेंगालुरु में पहुंचा पर गेस्ट हाउस भेटी साक्षात करार आलोचना करिछंती कर्णाटक राज्य बीजेपी नेता
बासवराज बोमाई जगदीश सेठर समेत विभिन्न मंत्री एवं विधायक समय सरिची पॉजिटिव भारत को एठो कुछ मते विदा दियंतु नमस्कार।